अब माशाल्लाह आप संगमरमर जैसा चीज़ है तो लोग आपको देखेंगे ना, याकूत और जमरूद से बनी हुई, जो असल में पता ही क्या होती है, आबूर है ऊर। ये हमारे पठानों को आबूर नज़र आती है वो एकदम। और ये जो आज आपका ये तिल जो है ना, ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सैलाब में कोई परी आई हो। ये अपना कार्ड दे देता कि इसमें से आपको जितनी भी मनी चाहिए इसमें से निकाल लो, कम से कम भी देता तो 10 लाख रुपये मैंने आपको सलामी दे देनी। एक घर एक कनाल का घर मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। आंख है बरी बरी और तुम गुनगुनाने की बात करते हो। आप माशाल्लाह पेट्रोल हो, वो भाई माचस है, तो जब करीब होगा जाहिर बात है खूबसूरती की। तो पैसे टिकटॉक से कमाती हो ना, कुछ अल्लाह के नाम पे भी दिया करो ना, नज़र लग जाएगी आपको। मैं तो पागल हो गया हूँ, कराची गया था वहाँ पर इतने लोग मुझे, वो देखो टिकटॉक, मैंने मुँह ही छुपा लिया था। जिस भाई को भी आपने इंटरव्यू दिया उसने कैमरे को बहुत कम देखा है, आपको बहुत ज़्यादा देखा है उसने। ये वो वाले खान भाई हैं जो बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। इन्होंने मेरी तारीफ में बोला था कि जब ये हंसती हैं तो 8.75 का जलजला आता है। तो ये दोबारा से मौजूद है हमारे साथ, आप गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी वीडियो तो बहुत वायरल चली गई भाई, क्या बात है। मैंने आपसे कहा था ना कि पठान जो है वो तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत दी हुई है, और ये दिल के भी साफ होते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको ये इसी वजह से ना इनकी वीडियो और हर चीज़ ऊपर जाती है। हुक्मरान हो जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी तरह टॉप करते हैं। तो कितने लोग आए इस वीडियो के बाद आपके पास में? मैं तो पागल हो गया हूँ, कराची गया था वहाँ पर इतने लोग मुझे, वो देखो टिकटॉक, मैंने मुँह ही छुपा लिया था। यहाँ पर घरों में मेरे जितने रिश्तेदार हैं वो सब लोगों ने मुझे भेजे जा रहे थे, अभी देखकर भी मेरे मोबाइल में एक, कभी एक भेज रहे कभी दूसरा भेज रहे। अच्छा, वाकई में? जी जी बहुत ज़्यादा। तो फिर अच्छा लगा या बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। क्यों? हमारे पठानों में ये चीज़ें नहीं है ना, ये बुरा समझते हैं कि हमारी दाढ़ी देखो, किसने क्या कमेंट्स लिखा होता है, किसी ने क्या कमेंट्स लिखा होता है। नहीं, वैसे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी थे। कमेंट्स तो अच्छे थे लेकिन लोगों को, बाजों को अच्छा लगा है, बाजों को आप लोगों को अच्छा लगा? हाँ, इनको तो देखो अच्छा लगा। ये सब लोग, यहाँ के लोग बड़े मुझे, इधर उधर, ये भी मुझे नहीं जानते, ये भी जानते, ये भी सारा दिन मुझे कह रहे वो आई ये लड़की आई है, उसे जाके कमेंट वो करो, इंटरव्यू दो। सही हो गया। कुछ और कहना चाहें आप? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जिस भाई को भी आपने इंटरव्यू दिया उसने कैमरे को बहुत कम देखा है, आपको बहुत ज़्यादा देखा है उसने। अच्छा, ये आप देख रहे थे? हाँ, वो मैं नोट कर रहा था माशाल्लाह। वो उससे आप जाके वो पूछो कि जो तुमने बातें की दोबारा दोहरा दो तो मैं उसको इनाम दूंगा। उसको आपके चेहरे की हर एक चीज़, किधर डिम्पल है आपका, किधर आपने क्या किया, वो सब कुछ उसको नज़र आएगा। अच्छा, ऐसे क्यों होता है कि लोग ज़्यादातर, मैं वैसे साथ साथ कह भी रही होती हूँ कि कैमरा में देखे सारा, मुझे नहीं देखे। असल में पता ही क्या है, पेट्रोल और माचिस ये जब इकट्ठे होते हैं ना तो ये ज़रूर ये लोग टच करते हैं। तो आप माशाल्लाह पेट्रोल हो, वो भाई माचिस है, तो जब करीब होगा जाहिर बात है खूबसूरती की तो झुकते लग रही। नहीं नहीं नहीं, अब ये तो जो चीज़ तो आप, ये मीडिया सुनती यही है, आवाम हमारी यही सुनती है। अब जाके अब किसी को हदीस सुना तो और हंसने आगे कर देना, ऐसा ही है ना। आपको खूबसूरती को लोग देखते, खूबसूरती को देखते। अब माशाल्लाह आप संगमरमर जैसा चीज़ है तो लोग आपको देखेंगे ना, अब उसमें भी आप जो है ना, याकूत और जमरूद से बनी हुई, जो असल में पता ही क्या होती है, आबूर है ऊर। ये हमारे पठानों को आबूर नज़र आती है वो एकदम। और जो आज आपने ये जो बांधे हैं ना पीछे से, सेम अफ्रीकन स्टाइल किया हुआ है वो अफ्रीकन। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बस मुझे पता नहीं कैसा लग रहा। नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अब आपकी शादी कब हो रही है? खैर से मेरी शादी अभी तो बस मेरी बहन की शादी हुई है, और अभी अकेले अकेले आपने सब कुछ खा लिया, और मतलब ये तो ज्यादती की है अपने जो आपके फॉलोअर हैं या जो आपको लाइक करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। सबको बुला लेती ना तो मार्की में जगह नहीं बचती। तो हम पैसे देते, देखो ना वो कहते हैं ना, पठान जिधर जाते हैं ना तो वो अपने साथ पटाखे भी लेके जाता है। हम पठान लोग जिधर जाते हैं ना, अगर 50 रुपये की रोटी खाते हैं तो 500 रुपये उसको सलामी भी देते हैं। बात है, इसलिए थोड़ी बुलाना था। लेकिन ये कि बड़े गिले मुझे बाद में मिले कि मुझे नहीं बुलाया। हालांकि कोशिश ये थी कि सबको बुलाया जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। वैसे आप कभी ऐसे माजरत। आप पैसे टिकटॉक से कमाती हो ना, कुछ अल्लाह के नाम पे भी दिया करो ना, नज़र लग जाएगी आपको। और ये जो आज आपका ये तिल जो है ना, ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सैलाब में कोई परी आई हो। ज़्यादा नोट आप मेरे चेहरे पर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको देख नहीं रहा हूँ, आपका वो सब कुछ मेरे जिन्नात मुझे बताते हैं कि आपने ये किया वो किया। आपने गिला किया कि आपको मैंने अपनी बहन की शादी पे नहीं बुलाया, अगर मैं बुलाती तो आप कितनी सलामी देके जाते? वैसे ये है फजूल सवाल लेकिन फिर भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने जब उस दिन आपको बोला था ना कि आपके लिए मेरा कार्ड भी यूज़ कर सकती हैं, तो मैं तो आपकी बहन के लिए ये अपना कार्ड दे देता कि इसमें से आपको जितनी भी मनी चाहिए इसमें से निकाल लो,
जो भी चाहिए आपको, अगर अभी भी आप तो अपनी मर्जी से देते ना, अभी भी आपको देखो आपकी सिस्टर की शादी हो गई है, वो भी हमारी बहनों जैसी है, अभी भी आप इससे निकाल सकते हैं। अभी अगर हम आपकी शादी में भी नहीं आए, आप अभी भी इसमें से निकाल सकते। खाली हुआ तो पठान कभी खाली नहीं होते, पठान जो है ना, मैंने आपको पहले बोला है कि पठान जिधर जाते हैं ना वो पटाखे भी साथ लेके जाते हैं। सलामी कितना देते हैं मुझे ये बताएं। मैं कम से कम भी देता तो 10 लाख रुपए मैंने आपको सलामी दे देनी। गलती होगी फिर तो ना बुला के, शादी का पूरा खर्चा निकल आना। नहीं खर्चा तो नहीं, मेरी शादी पाएंगे तो मुझे कितना देंगे? तुम्हारी शादी में इंशाल्लाह ताला जब मैं आऊँगा ना तो 50 तो मेरे साथ लड़के होंगे, वो तो पहले पटाखे बजाएंगे, वो पटाखे भी होंगे क्लाशों को बोले वो नहीं वो चुल्लियाँ मुल्लियाँ, और उसके बाद जो है उसके बाद मैंने आपको एक एक घर एक कनाल का घर मेरी तरफ से आपको गिफ्ट दिल से बताइए। पैसे की याद का महल है, उसकी नज़र भी नहीं आना मुझे। देखो ना मैं फिर आपसे एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं ना भी आऊँ आइए आप नोट कर लें, इंशाल्लाह ताला आपकी शादी के दिन भी हम टिकटॉक बनाएंगे और ऐसे ही आपको गिफ्ट दूंगा मैं। शुक्रिया। नहीं वो अलग बात है, आप फ्री ऐसे ही आइएगा और फ्री में जाइएगा वापस, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा कुछ और हमें मज़ेदार सा सुना दें, कोई शेर कोई शायरी। असल में एक बात ऐसे है ना, जो आजकल हालात है ना, ना तो गुनगुनाने को दिल करते हैं। वो एक गाना था इंडिया की फिल्म में, कहते आंख है बरी बरी और तुम गुनगुनाने की बात करते हो। नहीं है यार बात ना गा सकते हैं, हालात जो है ना बहुत ख़राब है। ऐसे सैड हालात क्यों हैं? असल में जो मेरा कायद है ना, बड़ी बातें एकदम से सैड। देखिए मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सात रोज़े क़यामत कर आबाद रखे इसको, ठीक है। बहरहाल जो मेरा कायद है ना वो उसके ऊपर आज दिन उसके बड़े गर्दश में आया है। अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम से ना एक एक झटका दे कि अल्लाह के हुक्म से एकदम वो फिर पॉपुलर हो जाए और फिर आके एक वजीर आजम बन जाए पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का चेहरा चेंज कर दे। किसी के टिकटॉक में इतने फॉलोअर्स नहीं, देखो टिकटॉक की देखिए हमारे पाकिस्तान में जो है ना, हमारे पाकिस्तान में पता ही क्या है, फॉलोअर तो बहुत है लेकिन ये बिरयानी के लिए निकलते हैं, ये जदोजहद के लिए नहीं निकलते। हमारी आवाम है, पंजाब की जो आवाम है ना ये तकरीबन अच्छा नहीं नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है 25 करोड़ है। अगर आप उसको बोल दो कि 10-20 लाख बंदा निकल आए तो 10,000 बंदा भी नहीं निकलता है वोट के लिए, वो चाहे 10 लाख वोट चाहे 10 करोड़ वोट डल जाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे और जो अच्छा बंदा हो उसको आगे लेके आए। ठीक है आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अब माशाल्लाह आप संगमरमर जैसा चीज़ है तो लोग आपको देखेंगे ना, याकूत और जमरूद से बनी हुई, जो असल में पता ही क्या होती है, आप ऊर है ऊर, ये हमारे पठानों को अबूर नज़र आती है वो एकदम। और ये जो आज आपका ये तिल जो है ना, ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सैलाब में कोई परी आई हो। ये अपना कार्ड दे देता कि इसमें से आपको जितनी भी मनी चाहिए इसमें से निकाल लो, कम से कम भी देता तो 10 लाख रुपए मैंने आपको सलामी दे देनी। एक घर एक कनाल का घर मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। आंख है बरी बरी और तुम गुनगुनाने की बात करते हो। आप माशाल्लाह पेट्रोल हो वो भाई माचस है तो जब करीब होगा जाहिर बात है खूबसूरती की। तो पैसे टिकटॉक से कमाती हो ना कुछ अल्लाह के नाम पे भी दिया करो ना नज़र लग जाएगी आपको। मैं तो पागल हो गया हूँ, कराची गया था वहाँ पर इतने लोग मुझे वो देखो टिकटॉक, मैंने मुँह ही छुपा लिया था।